हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। LIC AAO का नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि जल्द ही आ सकता है और आई होप कि आप सभी ने तैयारी चालू कर दी होगी। अगर नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी LIC AAO में क्या सैलरी मिलती है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं और इनकी एनुअल CTC कितनी होती है। LIC AAO की ये रीसेंट सैलरी स्लिप है नवंबर 2022 की। ये सैलरी स्लिप में दो इंक्रीमेंट्स ऑलरेडी लग चुके हैं, क्योंकि जो लास्ट रिक्रूटमेंट आया था वो आया था 2019 में, तो न्यू जॉइनिंग की सैलरी स्लिप अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि 19 के बाद किसी ने ज्वाइन नहीं किया LIC में, और ये जिन्होंने 19 में ज्वाइन किया था उनकी स्लिप में अभी दो इंक्रीमेंट लग चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी अर्निंग से। इनका बेसिक पे आफ्टर टू ईयर्स है 58,890 रुपीज। केडर स्पेशल अलाउंस ये LIC में ही मिलता है, ये है 4,500 रुपीज। उसके बाद डियरनेस अलाउंस ये 28,195.87 रुपीज। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस ये 4,122.30 रुपीज। ये HRA सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो लीज अकोमोडेशन या क्वार्टर्स नहीं लेते हैं, तो जिन्होंने अगर वो लिया है तो उनकी स्लिप से HRA हट जाता है। उसके बाद सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस CCA है 1,177.80 रुपीज। एक SR अकाउंट डेबिट करके इसमें है 0.24 रुपीज। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1,960 रुपीज। तो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो एक LIC AAO की आफ्टर टू इयर्स ग्रॉस अर्निंग्स बनती है 98,846.21 रुपीज। और ये दो साल के बाद जो सैलरी है वो SBI PO या IBPS PO की दो साल में इतनी नहीं होती है जितनी एक LIC AAO की होती है। तो ये काफी अच्छी चीज है जो आपको इस एग्जाम को देने में और ज्यादा आपको मोटिवेशन आएगा। अब चलते हैं हम डिडक्शंस की तरफ। तो इसके जो डिडक्शंस है वो काफी ज्यादा होते हैं, हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले NPS DCP ऑप्टीज मतलब जो आपका पेंशन का डिडक्शन है वो है 8,508 रुपीज। इनकम टैक्स का डिडक्शन है 10,000 रुपीज। एक स्पोर्ट्स क्लब का डिडक्शन है 10 रुपीज। देन मेडिक्लेम है 163.62 रुपीज। एक न्यू GI स्कीम करके, इसमें काफी सारे इंश्योरेंस के डिडक्शंस होते हैं, तो न्यू GI स्कीम का है 137.42 रुपीज। एक GTIS 97 रिस्क प्रीमियम 350 रुपीज। प्रोफेशनल टैक्स है 200 रुपीज। ये प्रोफेशनल टैक्स सिटी टू सिटी वेरी करता है, किसी सिटी में ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं ये बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद एक ऑप्शनल मेडिक्लेम है जो इन्होंने लिया है, हो सकता है कि ये जो नहीं लेता उनका डिडक्शन ना होता हो, ये 435.17 रुपीज। एक GIS प्रीमियम करके है 3,745 रुपीज। एक पेरेंट मेडिक्लेम करके भी है, ये भी हो सकता है ऑप्शनल हो, जिसे लेना है वही लेते होंगे, तो ये है 1,002 रुपीज। और एक दुर्गा पूजा का करके इसमें कटा हुआ है, ये फेस्टिवल एडवांस होगा क्योंकि अलग अलग फेस्टिवल के लिए आप इसे ले सकते हैं, तो उसकी EMI का डिडक्शन हुआ है 3,000 रुपीज। तो जो ग्रॉस डिडक्शन से हुए 27,551.21 रुपीज। मैंने इसमें से जो दुर्गा पूजा वाला डिडक्शन है वो आपको हटा दिया है, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, ये हर कोई नहीं लेता, जो लेता है उसी में से डिडक्ट होता है। तो जो नॉर्मल डिडक्शन होगा वो होगा 24,551.21 रुपीज। तो अगर हम इनकी नेट पे देखें तो नेट पे बनती है 74,295 रुपीज। अप्रोक्सीमेट 75,000 आपकी नेट पे होगी सिर्फ दो साल के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी इनकम है, इतनी इनकम एक बैंक PO को नहीं मिलती है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब हम चलते हैं अलाउंसेस की तरफ। अलाउंसेस में सबसे पहले बात करेंगे हम मंथली अलाउंसेस की। मंथली में फर्स्ट अलाउंस है न्यूज़पेपर, ये वन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या फिर वन जनरल न्यूज़पेपर का क्लेम कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट 240 रुपीज पर मंथ मिलता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का 800 रुपीज पर मंथ मिलता है। हाउस होल्ड या क्लीनिंग रीइंबर्समेंट इन्हें 1,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। उसके बाद एक मील कूपन होता है, ये 235 रुपीज पर वर्किंग डे मिलता है। तो हमने 20 वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट किया है 4,700 रुपीज पर मंथ। उसके बाद एक मोबाइल बिल का रीइंबर्समेंट भी इन्हें मिलता है, ये आप हाफ ईयरली भी क्लेम कर सकते हैं और ईयरली भी क्लेम कर सकते हैं। अगर हाफ ईयरली क्लेम करेंगे तो ये होगा 2,400 रुपीज
और अगर ईयरली क्लेम करेंगे तो ये होगा 4,800 रुपीज। तो अगर हम इसे पर मंथ कैलकुलेट करें तो ये होता है 400 रुपीज। उसके बाद कुछ अलाउंसेस जो मंथली नहीं मिलते बल्कि उनके ड्यूरेशन जो है वो 3 साल में 5 साल में ऐसे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक मोबाइल हैंडसेट होता है, ये 15,000 रुपीज मिलता है एवरी 3 ईयर्स, 3 साल में एक बार आप 15,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ब्रीफ केस के लिए 3,000 रुपीज मिलता है, ये भी एवरी 3 ईयर्स मिलता है। और एक फर्नीचर के लिए मिलता है 87,500 प्लस GST, ये एवरी 5 ईयर्स मिलता है, इसे एवरी 5 ईयर्स आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक कैश मेडिकल बेनिफिट मिलता है, ये 19,600 मिलता है पर एनम, ये सैलरी के साथ ही मिल जाता है लेकिन ये 12 महीने में किसी एक महीने की सैलरी में आपको मिलता है। उसके बाद लीज्ड अकोमोडेशन भी LIC प्रोवाइड करता है, ये सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, मेट्रो में अगर पोस्टिंग है तो 20,000 रुपीज मिलते हैं, क्लास ए सिटी में 15,000 रुपीज, क्लास बी सिटी में 10,000 रुपीज और क्लास सी सिटी में 8,000 रुपीज। उसके साथ ही कई अदर बेनिफिट्स भी LIC में मिलते हैं, जैसे LTC लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, ये सेकेंड AC का आपको जो भी किराया लगा है वो 4500 किलोमीटर तक 1 वे का मिलता है और ये आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स को भी मिलेगा। उसके बाद एक PLLI बोनस करके मिलता है, ये अप टू 6% होता है आपकी एनुअल बेसिक प्लस DA का। उसके बाद इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो इंश्योरेंस के प्रीमियम डिडक्ट हुए थे ना उसमें GIS का 1 करोड़ का कवर होता है, GSLI का 8 लाख का होता है और GTS का 10 लाख का होता है। उसके बाद PL एनकैशमेंट भी हो सकता है, ये आप 3 टाइम्स करवा सकते हैं एवरी 3 ईयर। तो अब हम देखते हैं इनका एनुअल CTC कैलकुलेशन। इनका जो नेट पे था वो था 74,295, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये होगा 8,91,540 रुपीज। उसके बाद अगर हम NPS देखें तो ये होता है 20,626, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये होगा 2,47,512 रुपीज। अलाउंसेस जितने भी हमने देखे थे वो ईयरली बनते हैं 1,33,505 रुपीज। तो जब हम इन सभी को टोटल करेंगे तो इनका जो एनुअल CTC होगा, इसमें हमने लीज्ड अकोमोडेशन नहीं जोड़ा है, ये होगा 12,72,557 रुपीज। अगर हम इसमें लीज्ड अकोमोडेशन जोड़ देते हैं तो CTC मेट्रो का बनेगा 15.13 लाख रुपीज, क्लास ए का बनेगा 14.52 लाख, क्लास बी का बनेगा 13.92 लाख और क्लास सी का बनेगा 13.68 लाख रुपीज। तो मैंने आपको हर सिटी का बता दिया क्योंकि लीज्ड अकोमोडेशन वेरी करता है, तो इससे आपको समझ आया होगा कि कितनी ज्यादा सैलरी LIC में मिलती है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, इसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, वहां पर जाकर आप इसके दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।